हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं रीजनिंग। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग जो हमारा क्या चल रहा है दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है रीजनिंग की, उसे शुरू कर लेते हैं। तो पिछली वीडियो में दोस्तों, हमने जो है कुछ जो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है, जहाँ से जो आपको अक्सर जो है प्रश्न देखने को मिलते हैं, वह किए थे। तो इस वीडियो में दोस्तों, जो मेन प्रश्नों को दोस्तों हम वही कवर करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलता है दोस्तों, जैसे TERRASCE, इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है कई प्रकार से जो है एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो देखते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा। तो क्या दिया उसने, इसमें दिया दोस्तों, यदि TERRACE को 70 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बालकोनी को कैसे लिखा जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको क्या रहता दोस्तों, या तो आपको जोड़ जितने भी है, जैसे ABCD का क्रम है, जैसे A का एक है, B का दो है, C का तीन है और D का चार है। इन चारों को जैसे 1 + 2 + 3 + 4 को जोड़कर जितना भी जो आता है, इस प्रकार दिया रहेगा टोटल योग, यानी कि ABCD बराबर कितना होगा, तो 1 + 2 = 3 + 3 = 6 + 4 = 10 होगा। उसी कूट भाषा में EFGH बराबर क्या होगा। इस प्रकार से दोस्तों जो है आपका यहाँ पर प्रश्न देखने को अक्सर मिलता है। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको मैंने बता दिया दोस्तों क्या करना होता है, या तो इसमें जो जोड़ का दिया होगा, या तो इसमें गुणा का दिया होगा। जहाँ पर आपको 70 दिखे, यहाँ पर ये आपकी संख्या 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 10000 भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको या तो प्लस का दिखेगा, या तो दोस्तों आपको यहाँ पर गुणा का दिखेगा, या तो आपको दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर का दिखेगा, किसी भी प्रकार से यह दिखेगा। बस आपको क्या करना होता है, अपने माइंड को दौड़ाना होता है, यानी कि 160 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से आपको अपना माइंड दौड़ाना होता है। तो आइए दोस्तों, तो ये है, ये प्रश्न किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल लॉजिकल के साथ कैसे। तो लिख देते हैं TERRACE, ठीक है। तो क्या लिखा है, बराबर 70 लिखा है, तो हम दोस्तों जो है इसकी नंबरिंग काउंट कर लेंगे। टी का कितना रहता है, टी का रहता है दोस्तों 20, ई का रहता है 5, आर का रहता है आपका PQR 18, आर का रहता है 18, ए का रहता है 1 और सी का रहता है दोस्तों आपका 3 और ई का रहता है दोस्तों आपका 5। ठीक है दोस्तों, हमने काउंट कर रखा है ना दोस्तों। तो इसमें क्या कर रखा है, आसान वे आपको 20 जितना भी ये नंबरिंग है दोस्तों, आपने जो ये नंबरिंग लिखी है, क्या लिखा है, 20 5 18 18 1 3 5, यह नंबर किसकी लिखी है दोस्तों, आपने ABCD की नंबरिंग की है। तो आपको क्या करना दोस्तों, इन सभी को काउंट करना है, जोड़ना है, इन सभी को जोड़ना है दोस्तों, सभी को जोड़ना है। तो सभी को कैसे जोड़ेंगे, सभी को जोड़ते हुए चलना है। तो जैसे 20 और 5 कितना होगा दोस्तों, 25 + 18, 25 और 18 कितना होगा दोस्तों, यानी कि 18 और 25 आपका कितना रहता है, 43। तो हम इसे तो दोस्तों जोड़ लेते हैं, इस प्रकार से जोड़ लेते हैं, जैसे 25 और 5 25 25 और 18 43 और 18 कितना होगा दोस्तों आपका, 61 रहता है, 61 और 1 कितना रहता है, 62 62 और 3 कितना रहता है आपका दोस्तों, 65 और 65 और 5 70। तो लिखा दोस्तों इसने 70, मैंने कहा था दोस्तों या तो जोड़ का दिया रहेगा, या तो आपको माइनस का दिया रहेगा, या तो गुणा का दिया रहेगा, या तो वर्ग का, किसी भी प्रकार से आपको दिया रहेगा। आपको सिर्फ अपना माइंड दौड़ाना होता है। आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो अच्छे से इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। तो अब आता है दोस्तों बालकोनी, बालकोनी में भी आपको सेम इसी प्रकार से करना है, बालकोनी तो कर लेते हैं। बी का कितना रहता है दोस्तों, 2, ए का रहता है दोस्तों 1, एल का रहता है कितना, जे के एल का रहता है दोस्तों 12, सी का रहता 3, ओ का रहता है 15 और एन का रहता है 14 और वाई का रहता है आपका कितना, 25 रहता है। तो इन सभी को काउंट कर लेंगे दोस्तों, जैसे 2 + 1 = 2 और 1 = 3, 3 और 12 कितना रहता है दोस्तों, 12 और 3 = 15 और 3 = 18, 18 और 5 कितना होगा दोस्तों, 33, 33 और 4 कितना होगा दोस्तों, यानी कि 47, 47 और 25 कितना होगा दोस्तों, 47 और 8 = 67 रहेंगे दोस्तों। और तो 47 और 25 कितना रहेगा दोस्तों आपका जो है कितना रहेगा, यानी कि 72। तो जहाँ पर भी आपको दोस्तों 72 नज़र आ रहा है इस ऑप्शन में, तो वह जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो SSC कॉन्स्टेबल में पूछा गया यह सवाल है। इस प्रकार से यह जो है दोस्तों रीजनिंग में प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से जो आपको एक प्रश्न देखने को ज़रूर मिलता है।
कोई भी पैटर्न हो दोस्तों, हम जो है तीन चार पैटर्न हमने कर लिए, दो पैटर्न हमने शुरुआत में कर लिए दोस्तों, ये आपका जो तीसरा पैटर्न है। तो अगला जो पैटर्न आता है दोस्तों, जैसे यदि ए एन बराबर 14, ठीक है, ए एन बराबर कितना लिखा है, 14 लिखा है, 14, और सी ए टी बराबर 60, सी ए टी बराबर 60, ठीक है, तो बी ई जी बराबर क्या होगा, तो बी ई जी बराबर क्या होगा। तो इसमें क्या पैटर्न है दोस्तों, इसमें क्या कर रखा है, इसने क्या कर रहा है, इसमें भी आपको सबसे पहले आपको नंबरिंग डालनी है दोस्तों। ए का एक रहता है, एन का कितना रहता है, 14, तो 14 एकम 14, ठीक है, तो सी का रहता है दोस्तों 3, और ए का रहता है 1, और टी का कितना रहता है दोस्तों 20, तो 3 × 1 × 20 यानी कि 3 एकम 3 और 20 × 60। तो हमने कहा था दोस्तों आपको गुणा का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, यह आपको लॉजिक लगाना है। उसी प्रकार हम बी का क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बी का कितना था 2, ई का रहता दोस्तों 5, और जी का रहता दोस्तों 7, तो इन सब की हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। तो यानी कि 5 × 10 = 70, तो जहाँ पर भी दोस्तों आपको 70 नज़र आ रहा है, वह जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो ये है दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो आपको कुछ भी दे रखा होता है दोस्तों, यानी कि हमने कहा था माइनस का दिया होगा, प्लस का दिया होगा, गुणा का दिया होगा, या भाग का दिया होगा, वर्ग का दिया होगा, किसी भी प्रकार से दिया रहता है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, यदि किसी कोड भाषा में C को 5 और CEAT को 37 लिखा जाता है, तो ठीक है, C बराबर भी हम लिख देते हैं 5, तो आप भी लिख दो दोस्तों C बराबर 5 और CEAT को 37, ओके। तो जापान को क्या लिखा जाएगा, जापान, तो क्या लिखा जाएगा दोस्तों, जापान को। इसमें आपका कौन सा लॉजिक बैठ रहा है, तो दोस्तों इसमें आपको कौन सा लॉजिक नज़र आ रहा है, तो कौन सा दोस्तों आपको जो है इसमें लॉजिक नज़र आ रहा है, तो इसमें क्या लॉजिक दिया दोस्तों, मैंने आपको कहा था लॉजिक गुणा का भी हो सकता है, भाग का भी हो सकता है। तो इसमें इसने क्या कर रखा है, सी का कितना रहता है दोस्तों 3, तो 3 को 5 में कैसे लिख सकते हैं, आपके पास दो चांस हो सकते हैं, या तो आपको गुणा करके -1 करना पड़ेगा, या तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसने क्या कर रखा है, इसमें इसने जो है, या तो आप गुणा करके -1 कर सकते हैं दोस्तों, सब में कर सकते हैं, जैसे सी में है, यहाँ पर गुणा करके -1 भी कर सकते हैं, +2 भी ऐड कर सकते हैं, इस प्रकार आपको कंडीशन दिख रही है। तो दोस्तों देखते हैं, हम पहली कंडीशन देख लेते हैं, सबसे पहले गुणा करके देख लेते हैं सब में कि जरा इसका 37 आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले का तो 5 है, ठीक है, हमने निकाल दिया 5, कैसे निकाल दिया, यानी कि 5 सी का कितना रहता है 3 × 2 − 1, तो ठीक है 5 आ गया हमारा। उसी प्रकार यहाँ पर CEAT सबका निकाला दोस्तों, सी का रहता है 3, तो ठीक है 3 × 2 − 1, तो इसका 5 आ गया, ये सी का आ गया, और ई का कितना रहता है दोस्तों, ई का रहता है 5, तो 5 × 2 − 1, तो कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है ये भी हम कर लेते हैं। और फिर ए का कितना रहेगा दोस्तों, ए का रहेगा आपका 1, तो 1 × 1 − 1 कितना आ गया दोस्तों 0, और फिर आपका दोस्तों आ गया कौन सा आ गया टी, तो टी का कितना रहता है दोस्तों, आपका टी का रहता है आपका 20, ठीक है 20 × 2 − 1, तो कितना आ गया दोस्तों 20 × 39 = 39। तो देखते हैं इन सबको जोड़ के, तो यह नहीं जोड़ना दोस्तों, यह जो आपका पहला है, हम जो है पहला कंडीशन लेके चल रहे हैं कि आपका 5 किस प्रकार से आ सकता है, तो ठीक है, तो 5 9, तो टोटल जो इसमें दोस्तों 37 दिए हैं, यहाँ तो है 20 × 39, 39 तो टी में ही आ रहा है, यह तो कितना जा रहा है दोस्तों 39, और 9 58, यह तो दोस्तों 53 जा रहा है, यानी कि जो 37 दिया है उससे जो यह ज़्यादा जा रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यह लॉजिक जो आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। अब दूसरा लॉजिक है दोस्तों, दूसरा कौन सा था आपका, जो सी बराबर कितना दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, ठीक है, तो सी बराबर 5, तो लॉजिक क्या था दोस्तों, हमारे पास दो लॉजिक था, यानी कि सी का 3 रहता है, उसमें +2 ऐड करके हम 5 लिख सकते हैं। तो ये लॉजिक अपना लेते हैं दोस्तों, किसमें, CEAT, किसमें अपना लेते हैं, CEAT में यह लॉजिक अपना लेते हैं, किसमें, इसमें,
इसमें अपना लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सी को हमने 5 कैसे लिख दिया, 3 में प्लस 2 जोड़ के हमने जो है सी को 5 लिख दिया। ठीक है, अब ई का क्या लिखें, अब ये तो दोस्तों सी का 5 है यानी कि सी बराबर 5 है उसके लिए है। अब सी ई ए टी का हम निकाल लेते हैं, इसका कितना है दोस्तों 37 है। तो 37 इसने कैसे लिखा होगा, सबसे पहले हम लॉजिक देख लेते हैं, इसका नंबरिंग देख लेते हैं दोस्तों। नंबरिंग कितनी है इसकी, सी का 3 है और ई का 5 है और ए का 1 है और टी का कितना है 20। इनको जोड़ के देख लेते दोस्तों, 20 और 1 21 और 5 26 और 3 29, यह भी नहीं हो सकता। तो हम ए लॉजिक देख लेते हैं ज़रा, ये लॉजिक इसमें बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो 3 प्लस 2 कितना हो दोस्तों 5, फिर यहाँ पर भी हम दोस्तों प्लस 2 ऐड करेंगे क्योंकि हमने 3 प्लस 2 ऐड किया था ना, तो इस प्रकार हमने इस सी को 5 लिखा था। तो ई को ई पे भी हम प्लस 2 करेंगे, ई का 5 रहता तो इसमें प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 7, और ए में भी प्लस 2 करेंगे दोस्तों तो कितना हुआ 3, और टी में भी प्लस 2 करेंगे दोस्तों तो कितना हुआ 22। तो देखते हैं दोस्तों इन सभी को जोड़ के देख लेते हैं, तो 5 7 और 5 कितना हुआ 12, 12 और 3 15, 15 और 22 कितना हुआ दोस्तों आपका 37। जी हाँ दोस्तों, यह लॉजिक जो है आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो इसी लॉजिक से दोस्तों हमने जो है अगला जो प्रश्न है उसका हल हमें ढूंढना है। तो अगला क्या है दोस्तों, हमें जो दिया था जापान, क्या दिया है दोस्तों जापान दिया हुआ है। तो जापान, तो देख लेते हैं दोस्तों जापान के बारे में, तो जे हमने क्या करना था यानी कि प्लस 2 ऐड करना था, जितने भी कोई भी नंबर हो जैसे ए का 1 रहता है, पी का कितना रहता है पी कर 16, ए का 1 और एन का कितना रहता है दोस्तों एन का रहता है आपका 14 और जे का रहता है जम्मू और कश्मीर 10। तो इन सब में 2-2 ऐड करना है, फिर उसके बाद सभी को जोड़ना है। तो देखते हैं 10 में हम प्लस 2 ऐड करेंगे, 10 प्लस 2 12, 1 में प्लस 2 ऐड करेंगे तो 1 3, और 16 में प्लस 2 ऐड करेंगे तो 18, और 1 में प्लस 2 ऐड करेंगे तो कितना हुआ दोस्तों 3, और 14 में भी हम प्लस 2 ऐड करेंगे तो कितना हुआ 16। तो इन सभी को जोड़ के देख लेते हैं, तो 12 प्लस 3 कितना हुआ 15, 15 15 और 18 कितना हुआ दोस्तों 18 और 15 कितना हुआ यानी कि 18 और 15 33, 33 और 3 33 और 3 कितना हो दोस्तों 33 और 3 आपका 36, और 36 और 16 कितना हो दोस्तों आपका जो है 49। तो 49 जहाँ पर भी आपको दिख रहा है दोस्तों 49 कहाँ पर होगा, तो दोस्तों इसमें हमने जो है काउंटिंग गलत की है, क्या कर दी है काउंटिंग गलत कर दी है। तो काउंटिंग गलत कर दी है दोस्तों, कैसे कर दी है, ये है दोस्तों आपका 12, 12 और 3 कितना होता है दोस्तों आपका 15, 15 और 18 कितना हो दोस्तों आपका 8, 5, 13 33 होता है, और 33 और 3 कितना रहता है दोस्तों आपका 33 और 3 जो रहता है आपका कितना रहता है 36, और 36 और 16 कितना रहेगा दोस्तों आपका 52 जहाँ पर भी आपको दिखेगा दोस्तों वो जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये है दोस्तों इसका राइट आंसर। तो अगला जो आपको प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों रीजनिंग में किस प्रकार का देखने को मिलेगा, कि यदि पी के आर ओ आर ओ के को 72962 और के आर आर पी के को 229972 के रूप में कोडित किया जाता है, तो एन जे एम एल जे को कैसे कोडित किया जाएगा। तो कैसे कोडित किया जाएगा दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर जो है एग्ज़ाम में बनते हैं दोस्तों। मैं यही प्रश्न आपको कोडिंग और डिकोडिंग के क्यों ले आ रहा हूँ, यह इसीलिए ला रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यह जो प्रश्न कोई भी एग्ज़ाम हो आपको यहाँ से 1-2 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पर पी के आर ओ के, ठीक है दोस्तों यहाँ पर इसके नीचे हम काउंटिंग कर लेते हैं, 7 के नीचे 2962, ठीक है हमने कर ली है, और के आर आर पी के, ठीक है दोस्तों इसके नीचे भी हम इसकी काउंटिंग कर लेते हैं, क्या दिया है ये दिया है, ये जो नंबरिंग दी है इसके नीचे हम ये लिख देते हैं 22992, ठीक है दोस्तों हमने काउंटिंग कर ली है। तो हमने जो दोस्तों, तो एन जे एम एल जे को कैसे लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें लॉजिक ढूंढ लेते हैं, लॉजिक इसमें क्या दिया रहेगा, तो इसका लॉजिक क्या रहेगा दोस्तों। तो ये है प्रश्न आपका दिया है, तो देख लेते हैं के का यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर भी के का 2 दे रखा है, यहाँ पर भी के का 2 दे रखा है, और पी का यहाँ पर भी 7 दे रखा है, यहाँ पर भी आपका 7 दे रखा है, तो सब सेम दे रखा है। आर का यहाँ पर 9 दे रखा है, तो यहाँ पर भी आर का 9, यहाँ पर भी 9, के का भी यहाँ पर 2 दे रखा है। तो हमें भी क्या करना है, एन जे एम एल जे, तो एन जे एम एल जे को कैसे कोडित किया जाएगा।
तो यह लॉजिक तो दोस्तों इसमें बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एन दिया है, जे दिया है, और यहाँ पर आपको दोस्तों कहीं पे भी एन और जे देखने को नहीं मिलता। अगर एन और जे देखने को मिलता तो हम यहीं से जो है इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है कभी कभार आपको उलझाने के लिए इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाता है। तो इसमें क्या कर रखा है दोस्तों, आपको क्या करना है, जैसे पी के आर ओ के दे रखा है दोस्तों, आपको जो है इसकी नंबरिंग करनी है, यानी कि पी का कितना होता है 16, के का रहता है दोस्तों आपका कितना रहता है पी कर 16, के का रहता है 10 और 11, आर का रहता दोस्तों आपका 18, और ओ का रहता आपका 15, और के का रहता दोस्तों आपका 11। तो इसने क्या कर रखा है, इसने क्या लिखा है दोस्तों, इसको 72962 कैसे लिखा दोस्तों, यानी कि जब 16 है, जब 1 + 6, इसने जो है 16 को है, इसने क्या करा है, जो 16 है उसको आपस में जोड़ रखा है, यानी कि 1 + 6 कितना हो दोस्तों 7, ठीक है। और यहाँ पर भी इसने क्या कर रखा है दोस्तों, यानी कि 1 + 1 जो के का 11 रहता है, इन दोनों को आपस में जोड़ रखा है तो 2 लिखा है इसको। 18 को इसने क्या कर रखा है, 1 + 8, इन दोनों को जोड़ दिया, 18 जो लिखा था उससे क्या कर दिया दोस्तों, 1 और 8 दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पर आपका 9 आ गया। और 15 को 5 और 1 = 6, इन दोनों को जोड़ दिया, 5 + 1 = 6, तो यहाँ पर 6 कर दिया, 5 + 1 कितना हुआ 6, और यहाँ पर भी दोस्तों 1 + 1, तो यहाँ पर इसने 2। इस प्रकार से लॉजिक है दोस्तों। तो आपको दिखा दोस्तों किस प्रकार से लॉजिक जो है, रीजनिंग में कई प्रकार के लॉजिक पूछे जाते हैं। तो आपको भी क्या करना है दोस्तों, जो आपको जो है जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, दूसरे में भी आपका इसी प्रकार से दिया हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो आप एक बार देख लें। तो ये है दोस्तों आपका, जैसे के है, यहाँ पर आपको के दिया हुआ है, के दिया है, और आर आर पी के, तो ये है दोस्तों आपको दिया हुआ है। यहाँ पर के का कितना दिया दोस्तों, के का आपका मैंने कहा था दोस्तों 11 रहता है, आर का दोस्तों आपका कितना रहता है 18 रहता है, आर का आपका 18 रहता है, पी का आपका 16 रहता है, के का आपका 11 रहता है। इसमें भी क्या कर रखा है दोस्तों, इसने जो है ऐड कर रखा है, 1 + 1 = 2 लिख रखा, 1 + 8 = 9 लिख रखा, 1 + 8 = 9 लिख रखा है, 1 + 6 = 7 लिख रखा है, और 1 + 1 कितना है दोस्तों 2 लिख रखा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 9 9 2 7, यहाँ 7 2 9 2 6 2 लिख रखा है। तो इसी प्रकार जो नीचे दिया है दोस्तों, नीचे कौन सा दिया है, नीचे दिया है दोस्तों एन जे एम एल जे, तो एन जे एम एल जे, एन जे एम एल जे को भी दोस्तों आपको इसी प्रकार से लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ एन जे एम एल जे, ठीक है दोस्तों। एन का कितना रहता है, एन का रहता है आपका 14, और जे का रहता है दोस्तों आपका कितना, जम्मू और कश्मीर 10, और एम का रहता है दोस्तों आपका 14, एम का रहता 13 रहता है, एल का रहता 12, और जेड का रहता दोस्तों आपका 26 रहता है। तो आपको क्या करना दोस्तों, इन दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो 4 + 1 कितना हुआ दोस्तों 5, और 1 0, 1 + 0 कितना हुआ 1 ही हुआ, और 3 + 1 कितना हुआ दोस्तों 4, और 2 + 1 कितना हुआ 3, और 2 + 6 = 8। तो जहाँ पर भी आपको 51438 यह नज़र आ रहा है दोस्तों, वह जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन में कहाँ पर यह दिया है, ऑप्शन में 51438, तो ऑप्शन यहाँ पर कहीं पे भी नहीं रखा है दोस्तों, ऑप्शन जो आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पर जो है मिट रखा है। तो 51, तो आंसर दोस्तों आपका यही है, यही जो इसमें लॉजिक लग रहा है, आंसर आपका यही है 51438। मिस्टेक तो नहीं हुई, एक बार हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, जम्मू और कश्मीर जे का कितना रहता है दोस्तों 10 रहता है, तो यानी कि 1 + 0 होगा दोस्तों, तो बराबर 1 ही तो होगा, अगर 1 × 0 होता दोस्तों तब होता ये 0, यानी कि जब 1 + 0 है तो यानी कि यह आपका 1 ही रहेगा। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, आपका जो है यही जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है रीजनिंग में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्विज के साथ। अगर आपको होमवर्क चाहिए दोस्तों, होमवर्क चाहिए आपको, तो ये है दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, ये है दोस्तों आपको जो है यह प्रश्न करना है, यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, पहला और दूसरा, यह दोनों दोस्तों आपके लिए क्या है होमवर्क है। यह आप कल जो है इसके जो दोस्तों आपको कमेंट में जो है इनके आंसर बताने हैं, यानी कि पार्ट 3 जो रीजनिंग का चल रहा है दोस्तों, कौन सा चल रहा है पार्ट 4,
पार्ट फोर का। यह आपके लिए दोस्तों पहला प्रश्न है, यह आपके लिए दूसरा प्रश्न है और यह दोस्तों आपके लिए जो है तीसरा प्रश्न है। यह आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क। ये एसएससी मत देखना दोस्तों, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजल, ये रीजनिंग है दोस्तों, इसमें कोई हो नहीं है। एसएससी हो, पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, पटवारी हो, लेखपाल हो, एसआई हो या आईएएस हो, सभी में जो है दोस्तों ये इसका प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार से लॉजिकल प्रश्न बनते हैं। हाँ, हालांकि थोड़े आईएएस पीसीएस में थोड़े हाई लेवल के बनते हैं और पुलिस में थोड़े दोस्तों जो है लो लेवल के बनते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और यह आपके लिए होमवर्क है, इसे आप मुझे कमेंट में ज़रूर करें। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।